हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर टाइपिंग कोर्स का लेक्चर 10। अगर आप टाइपिंग सीखना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ही आप 11.1 एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्लिक करना है नेक्स्ट पे, और इसके बाद आपके पास कुछ इस तरफ का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले हम एक क्विक रिविजन्स देंगे। ये आपका कीबोर्ड है यहाँ पे, और ये लेफ्ट हैंड और ये राइट हैंड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड देखेंगे कि सबसे पहली फिंगर्स जो है वो कौन से डिजिट्स पे रखनी है। सबसे पहले आपने इस फिंगर से स्टार्ट करना है और इसको ए पे रखना है, उसके बाद एस, डी और एफ। उसके बाद अपने जी और एच वाला जो बटन है उसको छोड़ देना है, और राइट हैंड आपने जे से स्टार्ट करना है, यानी जे पे ये वाले फिंगर्स के, एल और सेमी कॉलन। सेमी कॉलन पे आपने ये लास्ट वाली फिंगर्स, राइट हैंड्स की जो सबसे छोटी फिंगर्स है ये वाली रखनी है, और स्पेस के ऊपर से आपने राइट हैंड का थंब रखना है। और इसी तरह मान लो आपने टी यहाँ पे प्रेस करना है, तो लेफ्ट हैंड की ये वाली फिंगर जो है ये कहाँ पे रहेगी, यहाँ पे एफ के ऊपर, और एफ से ही आप टी प्रेस करोगे और अपना हाथ जो है वो वापस लाओगे अपने पोजीशंस पे। मान लो आपने डब्ल्यू प्रेस करना है, और एस के ऊपर से जो फिंगर्स है आपने यही वाली फिंगर्स उठानी है और डब्ल्यू को प्रेस करना है, उसके बाद वापस लानी है एस के ऊपर। इसी तरह ये जो कीबोर्ड है, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको ये कीबोर्ड्स के बारे में समझाया है। अगर आप बिगिनर्स हो तो मैंने 9 जो लेसन्स है वो इसी के ऊपर है, उनका लिंक्स मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में दूंगा, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज में क्या है, यानी एफ बी प्रेस करना है और उसके बाद स्पेस जो है ये वाला बटन इसको प्रेस करना है। सबसे पहले लास्ट वाली फिंगर्स यहाँ पे देख लो, ये हाईलाइट हो रही है। एफ आप जो ही प्रेस करोगे उसके बाद आपने सीधा नीचे लानी है बी के ऊपर, यही वाली फिंगर्स, और यहाँ पे ये हाईलाइट हो रही है बी, उसके बाद स्पेस इस थंब से आपने प्रेस करना है, और इसी तरफ एफ बी, ये दो दो बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद अब जे और वाई, ये क्या राइट हैंड की इस फिंगर से आपने प्रेस करना है, जे और वाई, और वाई कहाँ पे है, यहाँ पे स्पेस जे वाई स्पेस। इसी तरह जब आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो आपके पास कुछ इस तरफ का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे ग्रॉस स्पीड 38 से ऊपर होनी चाहिए, एक्यूरेसी 90 से ऊपर, और नेट स्पीड 35 से ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है इसीलिए आपको 35 से ऊपर नेट स्पीड्स होनी चाहिए। तो जो ही आप 11.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे तो नेक्स्ट क्या है, 11.2 वर्ड ड्रिल्स। यहाँ पे आपके पास वर्ड्स आएंगे जो कि तीन तीन बार रिपीट होंगे। सबसे पहला क्या है, बट, बी यू टी, और यहाँ पे देख लो ये हाईलाइट हो रही है फिंगर्स बी यू टी। जो ही आप, अब आपने स्पेस यहाँ पे ये जो एरो है ये क्या स्पेस आपने प्रेस करना है और लिखना है, उसके बाद आप तीन बार यही रिपीट करोगे। इसी तरफ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ग्रास स्पीड्स यहाँ पे भी आपकी 35 से ऊपर होनी चाहिए और नेट स्पीड्स 33 से ऊपर इस एक्सरसाइज में रहनी चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे 11.3 सेंटेंस ड्रिल। इसमें क्या, इस एक्सरसाइज में आपको सेंटेंस आएंगे, तो ये जब सेंटेंस आप कंप्लीट करोगे यहाँ तक, ये जो एरो है ये क्या है, इंटर्स। जिस एक्सरसाइज में भी ये वाला एरो आएगा ये क्या है, इंटर्स वाला। जो ही आप ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट करोगे, ग्रॉस स्पीड इसमें 33 से ऊपर और नेट स्पीड 30 से ऊपर आनी चाहिए, एक्यूरेसी 90 से ऊपर, हर एक्सरसाइज में एक्यूरेसी जो है 90 से ऊपर। पैराग्राफ्स ड्रिल्स और टेक्स्ट ड्रिल्स ये सेम होते हैं, और इन दोनों एक्सरसाइज में आपके पास पैराग्राफ्स आएंगे बड़े बड़े, आप इजीली इनको कर सकते हो।
तो जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे, ग्रॉस स्पीड इसमें 30 से ऊपर रहनी चाहिए और नेट स्पीड जो है वो 28 से ऊपर रहनी चाहिए। जो ही आप ये लेसन्स कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप 12.1 लेसन में जाओगे, जो कि इस टाइपिंग कोर्स का लास्ट लेसन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक्स करोगे तो आपके पास कुछ इस तरफ का इंटरफेस होगा। यहाँ पे भी है AZ, इस फिंगर से आप करोगे ये एक्सरसाइज, और उसके बाद ये रिपीट हो रहा है AZ स्पेस, फिर S और X, S X S X। इसी तरह ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, और इस एक्सरसाइज में आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो 40 से ऊपर रहनी चाहिए और नेट स्पीड 36 से ऊपर, जो कि हर एग्जाम में यही होती है, 36 से ऊपर नेट स्पीड और ग्रॉस स्पीड 40 से ऊपर, और एक्यूरेसी आपको पता ही है 90 से ऊपर। फिर क्या है 12.2 वर्ड ड्रिल्स, इसमें भी आपके पास वर्ड्स, जो जो भी वर्ड्स आएंगे वो तीन तीन बार रिपीट होंगे। तीन तीन बार इसलिए रिपीट्स होंगे क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आप इजीली उस एक्सरसाइज को कर लोगे। तो यहाँ पे भी आपकी जो ग्रॉस स्पीड है वो 36 से ऊपर रहनी चाहिए और नेट स्पीड 32 से ऊपर। उसके बाद आपके पास सेंटेंस ड्रिल्स आएगा या पैराग्राफ्स, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो पैराग्राफ्स ड्रिल में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपकी 33 से ऊपर ग्रॉस स्पीड रहनी चाहिए और नेट स्पीड आपकी 30 से ऊपर रहनी चाहिए। 12.7 जो है यहाँ पे कंप्लीट व्हाट नेक्स्ट, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास दी है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो आप इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। तो इस वीडियो से ये कंप्लीट कोर्स हो गया टाइपिंग्स मास्टर कोर्स। अगर अभी तक हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल्स को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।